Now we are going to start chapter 2 class 10 usme exercise 2.2 hum log start karne ja rahe hain 2.1 matlab jo basic tha wo sara maine intro part uska banaya hua hai usko pehle dekh lena aap tabhi ye 2.2 samajh aayegi aur is 2.2 mein bhi kuch introduction part ki requirement thi maine kaha pehle usko jaldi se clear kar dun kyunki direct question karna मैं तो करता नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं बिलीव भी नहीं करता नंबर नहीं नॉलेज होनी चाहिए नंबर तो ऑटोमेटिक आते हैं आपके तो 2.2 स्टार्ट जैसे ही आप आएंगे तो सबसे पहले ये आएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ ये क्या है मतलब ये क्या है सर इतना बड़ी लाइन लिख दी क्या हमको तो सीधे क्वेश्चन करा दो आप नहीं ये एक समझिंग ना आता बोर्ड में कैसा भी घूमकर क्वेश्चन आ जाए क्योंकि मैं कई बार कर रहा हूँ बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फॉल्स फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हुए तो जब तक आपको डीप में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे तो ये क्या है ये इसको भूल जाओ ये लाइन क्या लिखी मैं खुद ये लिखी हुई हुई लाइन पर इससे बिलीव नहीं करता जब तक एक प्रैक्टिकली हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x² - 8x + 6 कोई सी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ले लीजिए चलिए इसके फैक्टर करते हैं जल्दी सब लोगों ने जैसे क्लास 9th में पढ़ा है 6 × 2 = 12 के फैक्टर ठीक है तो 2x² - 6x - 2x + 6 नाउ 2x x - 3 - 2 कॉमन x - 3 तो x - 3 और ये 2x - 2 ये हमारे पास निकल के आ गई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की हमने फैक्टर कर दिए लेकिन अब वो कह रहे थे उसकी भैया इसके जीरोस फाइंड करो चलो जल्दी से जीरोस फाइंड करते इसको पुट करेंगे जीरो एक अभी क्लास 9th का ही चल रहा है 10th का कुछ अभी नहीं स्टार्ट हुआ एक तरह से x - 3 को रख दो भैया जीरो एक एक्स कितना आ गया 3 आ गया और 2x - 2 को रख दो तो एक्स कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया ठीक है जी ये हमारे पास जीरोज निकल के आ गए क्वाड्रेटिक थी ऑब्वियसली यार इसके दो ही जीरोज होंगे तो दोनों आ गए दोनों रियल जीरोज आ गए अब यहाँ तक तो क्लास 9th का हो गया अब 10th में जाते हैं क्या कह रहे हैं भाई रिलेशन से बताओ जीरोस तो ये हो गए और कोफिशियंट ऑफ अ पॉलीनोमियल कोफिशियंट क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है एक्स का कोफिशियंट -8 है कॉन्स्टेंट सी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लेते हैं तो क्या होता था ax² + bx + c तो x² का कोफिशियंट 2 मतलब ए तो अब ये कहना है कि कोफिशियंट और जीरोज में रिलेशन बताइए तो जब ये चीज़ें मैथमेटिशियन लोगों ने की तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला उन्होंने क्या रिलेशन निकाला उनका दो जीरोज आ गए भैया 3 और 1 एक काम करते हैं चलो दोनों जीरोज को ऐड करो तो सम ऑफ द जीरोज दोनों जीरोज को सर बिना सोचे समझे ऐड कर दो तो 4 आ गया और प्रोडक्ट कर दोनों जीरोज का तो भैया 3 × 1 = 3 आ गया देखो 3 + 1 = 4 3 × 1 = 3 लेकिन जो मैथमेटिक्स थे उनका दिमाग बहुत ज़्यादा वो रिसर्च में रहते थे उन्होंने एक जब कई सारे एक आध पॉलीनोमियल को लेके नहीं उन्होंने जब कई सारे क्योंकि उनके पास इसी में ही टाइम अपना कंज्यूम करते थे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करते थे कुछ भी तो उसी में ही लगे रहते तो उन्होंने एक चीज़ देखा जब कई सारे एग्जाम्पल लिए तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो तो एक रिलेशन आ रहा है क्या आ रहा है रिलेशन देखिए क्या हम सम ऑफ द जीरोज को हम क्या ये लिख सकते हैं माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अब देखिए कैसे जल्दी से देखते हैं माइनस लगा हुआ पहले से माइनस लगाइए कोफिशियंट ऑफ एक्स -8 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2 तो आया 8/2 और देखिए अभी भी 4 आ गया ये रिलेशन निकाल रही इधर कोफिशियंट इधर सम ऑफ द जीरोज है और अब ऐसे इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के साथ एक रिलेशन निकाला और ये लिखा कि कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप देख लीजिए कॉन्स्टेंट कितना है 6 मतलब कॉन्स्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 3 सर दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट तो ये आपको दो नंबर में हर साल लगभग आप हर साल मतलब एक दो साल अल्टरनेट डे पर अल्टरनेट ईयर पे आपको ये मिलते रहते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन एग्जांपल उसमें भी आपको ये मिलेगा यार तो ये सिंपल सी चीज़ है तो ये रिलेशन आपको कोई ज़्यादा याद नहीं रखना अभी मैं इसका जल्दी से
प्रूफ भी बता दूंगा एक्चुअली में चीज़ कहाँ से आ रही, क्या हो रहा है, जल्दी से, क्योंकि प्रूफ बहुत ज़रूरी है। प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आते, लेकिन प्रूफ आपको और बच्चों से हटकर अलग बना देते हैं। तो ये चीज़ें जल्दी से एक चीज़ देखते हैं। अब देखिए ना, उनका एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, अब इसके दो जीरोज होंगे, उन्होंने लेट कर लिया कि ये दो जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं। अब जो बच्चे आ गए टेंथ क्लास में भी, उनकी पढ़ाई स्टार्ट, सर वो डर जाती है, ये अल्फा बीटा क्या भाई है? अरे ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज होती ना, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी होते हैं, हिंदी में छोटे या बड़े होते हैं, ऐसे ग्रीक में अल्फा बीटा गामा चीटा साई पाई, ये सब पाई 16th नंबर पर आता है, ओमेगा डेल्टा सिग्मा, ये सब वहाँ के ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो 24 होते हैं टोटल, उनमें अल्फा बीटा भी हैं, आपने ये भी पढ़ा होगा ना, ग्रेटर नोएडा में अल्फा बीटा सब वहीं से ही है। तो दो जीरोस हैं, अगर वो x और y भी ले सकते थे, d c f g h कुछ भी ले सकते थे, ठीक है, तो उन्होंने ग्रीक में ले लिया। इन्होंने कहा इसके दो जीरो होंगे, एक लेट कर लिया अल्फा और दूसरा लेट कर लिया बीटा, लेट कर लेंगे। एनसीईआरटी ने लेट किया तो भैया मेरी भी कंपल्सन है दैट आई हैव टू टेक अल्फा एंड बीटा, अदरवाइज वी कैन टेक एनी नंबर, एनी न्यूमेरिक, न्यूमेरिक लेना ठीक नहीं होगा, कोई भी ए बी सी डी में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अल्फा बीटा ही लें, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करो तो मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। चलिए अच्छा, अल्फा एंड बीटा, एक बात बताइए, ये इसके जीरोज है, इसका मीनिंग क्या, इफ यू पुट अल्फा इंस्टेड ऑफ एक्स एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट जीरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इक्वल्स टू बीटा, इफ यू पुट बीटा इंस्टेड ऑफ एक्स यू विल ऑलवेज गेट जीरो, सो दीज आर मीनिंग ऑफ द जीरो। नाउ एक्स इक्वल्स टू अल्फा, नाउ एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू, सो वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वी हैव स्टडी इन क्लास 9, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे ना, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, यही क्लास 9 में चैप्टर 2 में पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा ये बताइए, अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने पर भी सर ये आएगा, ये सब क्लास 9 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इधर ये लगा दिया k। अब बच्चों में डाउट, ये k क्यों लगा दिया सर, ये k क्या है भैया, k कोई भी कांस्टेंट है, अभी देखिए आप खुद देखेंगे, आप यहाँ पे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते, 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको, एक ही बात है, अभी भी देखो x माइनस वन बनी जीरो आएगा और मल्टीप्लाई कर लो तो भी यही आएगा, तो हम अगर कुछ कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख सकते हैं, इधर 2 आया, क्या पता किसी में 3 आता, क्या पता किसी में 4 आता, किसी में आते नहीं 1 होता, कुछ ना कुछ होता, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, k ले लिया, ठीक है जी। तो इसमें टेंशन ना ली भैया, चलो मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर एक्स का इसमें होगा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस का अल्फा बीटा, इधर हमारे पास क्या चल रही है, ये चल रही है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का अल्फा बीटा, के का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, चलो मैं करता हूँ के एक्स के और के अल्फा बीटा, ठीक है, कोई टेंशन ना लेना इसमें। अच्छा जी, प्रूफ हो रहा है, तो प्रूफ हो रहा है तो भैया थोड़ा लॉजिक तो बढ़ जाते हैं। अच्छा अब कंपेयर करो कोफिशियंट के, कंपेयर कर देते, जैसे हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, ए, यहाँ कितना के, तो ये इसके बराबर हो गया, एक्स का कोफिशियंट कितना बी, और यहाँ कितना के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कांस्टेंट कितना सी, और सर यहाँ कांस्टेंट कितना के अल्फा बीटा। अब मुझे थोड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो ये लिखा हुआ है इसको नहीं हटाता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, तो हमारे पास a इक्वल्स टू के आया सर, और b इक्वल्स टू के अल्फा प्लस बीटा आया, और c आया के अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा को क्या, अल्फा बीटा क्या जीरोस थे, क्या हम अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ द जीरोस नहीं बोल सकते, दोनों जीरोस का सम कर दिया इसको सम ऑफ द जीरोस बोल सकते हैं, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट, इनको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोल सकते हैं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो कितना आएगा,
एक मिस्टेक ये हुई है, यहाँ पे भैया माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए डी एक्स हम जब कंपेयर करते तो x को ऐड करो, इधर x को ऐड गया तो b मिला, इधर x को ऐड गया तो माइनस भी है साथ में, ठीक है। कंपेयर जब करते हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर को ऐड कर लो कितना देगा a बराबर के, तो ठीक है माइनस का b अपॉन k। अच्छा देखिए अब k किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का b अपॉन a। ऐसे यहां से अल्फा बीटा निकालो कितना आएगा, c अपॉन k, भैया k की वैल्यू कितना है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरो, इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, देखिए माइनस बी अपॉन ए। अरे एक बात बताना सर, माइनस बी क्या है, बी कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स सम ऑफ द जीरो, देख लो कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन ए, कोफिशियंट ऑफ एक्स इसका, तो भैया लॉट फेयर की सब चीज़ें वही आ जाती हैं, ठीक है ना, तो टेंशन ना लें कॉन्स्टेंट। अच्छा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जल्दी से ये प्रूफ है, करना चाहो कर लेना, बोर्ड में हरगिज नहीं आएगा पहले ही बता दूं, और ये वही लोग देखा करें जिनको थोड़ा सा मतलब नॉलेज के लिए पढ़ना, नंबर के लिए अगर पढ़ना तो वो अभी एक्सरसाइज आएगी, उसको चेपो बेटा आराम से नंबर लेके आओ, ठीक है। तो ये अब आपको फाइनली याद क्या करना है, आपको फाइनली जो याद करना है सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए, और ये आपको याद तो नहीं करना समझ, क्योंकि जब ये याद हो गया माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए आपको याद हो गया, तो फिर आपको बी क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स तो याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है लेकिन वो एग्ज़ाम में नहीं आती, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है, फिर कहने लगो आपकी वैसे तो आप एनसीईआरटी का सब कुछ बताते, उससे क्यों छोड़ दिया, तो जल्दी से देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यू ये हो गया। अच्छा ये क्यूब है तो कितना जीरो होंगे, तीन जीरो होंगे, तो उन्होंने ले लिया अल्फा बीटा और ये गामा, ठीक है। तो टेंशन ना लो यार अल्फा बीटा गामा सब, अभी एट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो अपने बहुत डीप में हम लोग पढ़ते हैं, तभी तो आप अगर अल्फा बीटा गामा लेने में दिक्कत भाई तो पी क्यू आर ले लो, एस क्यू टी ले लो, अपना नाम ले लो, कुछ भी ले लो। तो चलिए सम ऑफ द जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही माइनस बी अपॉन ए, अब दो दो का पेयर ले लो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन ए, तो इस तरीके से ये है, ठीक है जी। अच्छा अब एक लास्ट चीज़ और बता देते हैं, अभी क्या था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था अभी, और जीरोस अल्फा बीटा हमने लेट किया, अब क्या उल्टा आपको गिवन पहले आपको जीरोस पहले से दे दिए अल्फा एंड बीटा, फिर कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, तो बहुत सिंपल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। और एक चीज़ सुन, जब जब इंट्रो पार्ट में बताऊँगा हो सकता है आपको 20-30% ही समझ आए, क्योंकि अभी केवल मैं पूरे 2.2 इंट्रो बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो अभी के ही नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे ना सर तब मजा आएगा, सही से देखना, ठीक है जी। तो ये सारा बेसिक है, लिख लो। अब मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज पे बता देता हूँ 2.2, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये क्या बकैती पढ़ रहे हैं, और ये नहीं सीधे क्वेश्चन करा दें। चलिए देखते हैं, अच्छा जल्दी से, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कोई किसी को अगर कोई एग्जांपल में दिक्कत हुआ करे तो कमेंट में कर दिया कर, मैं एग्जांपल का बना दिया करूँ, एग्जांपल से पहला 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन। देखो वही बात आ गई, वेरीफाई, अगर आपने इंट्रो पार्ट पढ़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द, अब वेरीफाई करो कि जो रिलेशन पढ़ा था वो ठीक भी पढ़ा था या गलत पढ़ गए। तो देखिए यार सिक्स पार्ट है, मैं जो मुझे लगेगा टफ वो बता, पहला तो बता देते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, पहले तो कह रहे इसके जीरो फाइंड करो, तो 8 का सिंपल सा 4 2 8, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, x कॉमन लो भैया, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लो, तो x माइनस 4x प्लस 2, तो जीरोज आ गए माइनस 2 और 4। चलिए ये तो जीरोस फाइंड करते हैं, पहला काम अब कह रहे हैं वेरीफाई करो, तो जल्दी से सम ऑफ द जीरोस ऐड करो 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस माइनस 8। अब चेक करते हैं रिलेशन क्या था, माइनस
सम ऑफ द जीरोज में क्या था, माइनस लगाओ और यहाँ पे लिखो कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स इसका, जल्दी देखो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना माइनस टू अपॉन कोफिशियंट एक्स स्क्वायर वन, तो कितना आ गया प्लस टू। भैया एकदम ठीक जा रहा है हमारा, ठीक है कोई टेंशन ना लो। कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सर कॉन्स्टेंट कितना माइनस एट और कोफिशियंट कितना वन, तो एकदम सही आ रहा माइनस एट आ गया। इसी तरीके से जो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा ना, मैं सोचूँ इसमें लग रहा होगा, फोर देख लो, फोर्थ में कह रहा हूँ यार ये क्या है, तो फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू कुछ नहीं है, इसके जीरो फाइंड करने मतलब जीरो को इक्वल रख दो, यू कॉमन आ रहा है यहाँ से, यू कॉमन ले लो, तो फोर यू प्लस फोर यू क्या बात है, फोर यू इक्वल्स टू जीरो, तो एक बार यू इक्वल्स टू जीरो, इसको रखोगे जीरो के इक्वल तो यू इक्वल्स टू कितना है माइनस का टू, आ गए दो जीरोस भैया, अब कर लेना सम ऑफ द जीरोस। अब ये ऐसे आ गए टी स्क्वायर माइनस पंद्रह, इसको रखो जीरो इक्वल तो टी बराबर पंद्रह स्क्वायर है, और स्क्वायर जब भी हटता भैया प्लस माइनस अंडर रूट आता है। अच्छा जब भी स्क्वायर हटता है प्लस माइनस अंडर रूट पता है क्यों आता है, क्योंकि जीरो स्क्वायर का मतलब कितने जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे, टू जीरोज होंगे, तो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो इसका भी कर लो यार, एक जीरो हो गया प्लस रूट में पंद्रह, एक हो गया माइनस में रूट पंद्रह, बट कर लो सिंपल है सम ऑफ द जीरो। चलो इसका बता दें आप लोग का, वो सम इसका चलो सम ऑफ द जीरोज करो, ऐड होगा जीरो हो जाएगा। अच्छा अब रिलेशन वेरीफाई करो यार, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, भैया एक्स किसके साथ होता है, बी के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके साथ बी बी बी, यहाँ तो बी है ही नहीं, यहाँ तो बी है ही नहीं, क्यों, एक तो एक्स स्क्वायर वाला सीधे कांस्टेंट है, एक्स वाला टर्म्स तो है ही नहीं, और ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एक्स ही मिले, यू मिल गया टी मिल गया तो कन्फ्यूज ना होना, टी स्क्वायर फिर टी, टी वाले का कोफिशियंट होता है ना, अभी यहाँ तो टी है ही नहीं, तो जीरो ही तो हो जाएगा, जब नहीं है तो जीरो, तो माइनस जीरो तो जीरो ही हो गया, तो इसी तरीके से। तो ये 2.2 का फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल था, सेकंड देखते हैं क्या है इसमें। ये कह रहे हैं सेकंड का पहले तो फर्स्ट ही देख लेते हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, तो देखो हमको दिया गया है सम ऑफ द जीरोज, हमको दिया गया वन अपॉन फोर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया गया माइनस में, कह रहे हैं भैया क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता, अभी मैंने बताया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोज कितना दिया वन अपॉन फोर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना दिया है माइनस का वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन फोर माइनस, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, बहुत दिल पे ले गए क्वेश्चन को, तो फोर एलसीएम ले लो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का फोर, फोर माइनस का, तो कुछ नहीं है वन अपॉन फोर, फोर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस, कैसे भी कर लो यार है, तो आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को लेके एक बार ऐड, तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस की जगह वैल्यू पुट कर देना जो भी आगे पीछे, तो इस तरीके से आपका 2.2 ख़त्म है, और 2.3 हाँ देखते हैं, 2.3 तो बाद में करा देंगे, पहले फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा ना, तो आप समझो भैया, ठीक है जी, और घर पे रहिए सेफ रहिए, ठीक है ओके।